हेलो, मेरा नाम संदीप गौड़ है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है PTSD, जिसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से पीड़ित व्यक्ति के जिंदगी के पास्ट में कुछ ऐसा हादसा हुआ हुआ होता है या ट्रोमा उसी चीज का लग जाता है जो आगे चल के ट्रोमा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में बदल जाता है। ऐसे व्यक्ति अपने आप को बहुत ही ज्यादा हेल्पलेसनेस, मायूसी से, उदासी से घिरे हुए महसूस करते हैं। फियर ऑफ फीलिंग होती है उनमें, एक अजीब तरीके का डर, पर वो डर किस चीज का होता है उन्हें खुद भी नहीं पता होता है। नाइटमेयर्स, उन्हें डरावने सपने, डरावने इमेजेस और एक उदासी भरे इमोशंस आते हैं जो ट्रॉमेटिकल सिचुएशन में बदल जाते हैं। देर इज अ लॉट्स ऑफ ट्रोमेटिकल सिचुएशन लाइक पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट सम इम्पॉर्टेंट ट्रोमेटिकल सिचुएशन आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो। फर्स्ट होता है सेक्सुअल वॉयलेंस एंड असोल्ट। किसी के साथ सेक्सुअल वॉयलेंस हुआ हो या असोल्ट हुआ हो, उसकी बॉडी शेमिंग या उसके साथ मजाक मस्ती या ई टीजिंग या जो भी होता है उसके वजह से उसे उस चीज का ट्रोमा लग जाता है, तो ऐसे व्यक्ति भी पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के शिकार हो सकते हैं। सीरियस होता है सीरियस व्हीकल इंजरी। अभी कोई व्यक्ति का किसी व्हीकल से एक्सीडेंट हो गया है और वो एक्सीडेंट उसके जिंदगी में वो बहुत ही ज्यादा पेनफुल हो जाता है, तो वो एक्सीडेंट का उसे ट्रोमा लगता है, तो ऐसे व्यक्ति भी PTSD के शिकार हो जाते हैं। देन सीरियस मेडिकल इवेंट्स लाइक अब रिसेंटली हमारे वर्ल्ड में हुआ था कोविड। कोविड में बहुत सारे लोगों ने अपने बहुत सारे फैमिली मेंबर्स को और लव वन को खो दिया, तो उस चीज का भी उन्हें उस ट्रोमा लग जाता है और वो भी उसमें स्ट्रेस डिसऑर्डर में चले जाते हैं जो PTSD में कन्वर्ट हो जाता है। देन अनएक्सपेक्टेड लव वन, लाइक कोविड में जैसे हुआ था कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हमारा कोई लव वन मर जाए, पर बहुत सारे फैमिली के साथ ऐसा हो गया, तो उस चीज का उन्हें उस ट्रोमा लगता है। देन नेचुरल डिजास्टर, जो एक बहुत ही दुर्घटनावश होती है, नेचुरल डिजास्टर में बहुत ही ज्यादा लोगों के घर चले जाते हैं, फैमिली मेंबर चले जाते हैं, उनका पूरा सब कुछ चला जाता है, लाइक अर्थक्वेक में, उसके वजह से उन्हें बहुत ही ज्यादा ट्रोमा या सदमा लगता है जो आगे चल के पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में बदल जाता है। देन डोमेस्टिक वायलेंस लाइक औरतों को ऊपर मार पिटाई करना, उन्हें असोल्ट करना मेंटली, फिजिकली, सेक्सुअली, तो उस चीज का भी उन्हें स्ट्रेस होता है। देन टेररिस्ट अटैक। टेररिस्ट अटैक में भी बहुत लोग अपने आप चाहने वाले को खो देते हैं, जो उनके फैमिली मेंबर होते हैं, लव वन होते हैं, उसके वजह से भी उनको उस चीज का ट्रोमा लग जाता है, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड डेथ होती है और अनएक्सपेक्टेड डेथ की वजह से उन्हें उस चीज का ट्रोमा लग जाता है। तो ये सारे लिस्ट होते हैं पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से गुजरने वाले व्यक्ति की जिंदगी में। आई होप आपको इस वीडियो के जरिए मैंने PTSD के बारे में कुछ जानकारियां दी हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।